इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर हैं रेडिसन ब्लू, आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रितम में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। अमित शाह आज रहेंगे हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में भाजपा कार्यकारिणी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली से नीतीश आज दे सकते हैं बड़ा संदेश, जदयू की 6 महीने में दूसरी बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, संगठन में फेरबदल के संकेत। पुलिस ने ओवैसी के दिल्ली आवास के बाहर नारे लगाने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आपने फूंका विबूल, 29 जून यानी आज से देश भर में करेगी प्रदर्शन। एयरपोर्ट हादसे पर नागरिक उड्डयन मंत्री की बैठक, देश के सभी हवाई अड्डों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी। दिल्ली हवाई अड्डा T1 पर छत गिरने की घटना पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि दुख की बात है कि इस घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई, हम परिवार को 20 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देंगे, सभी घायलों को 3-3 लाख रुपए मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जिस इमारत की छत ढही है वह 2009 में उद्घाटन की गई थी, वह पुरानी इमारत। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शिवेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लिखा पत्र, राज्य में कथित चुनाव के बाद हिंसा की जांच के लिए पश्चिम बंगाल में एक टीम भेजने का किया अनुरोध। दिल्ली शराब नीति मामले में ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में विनोद चौहान को आरोपी बनाया गया है। विनोद चौहान पर आरोप है कि उसने हवाला के जरिए आम आदमी पार्टी को रिश्वत की रकम पहुंचाई। ईडी ने अब तक 9 चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें पहले 17 मई को ईडी ने 7वें पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में ईडी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया था। वहीं 10 मई को ईडी ने 6ठी पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें BRS नेता के कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार और अरविंद सिंह को आरोपी बनाया गया था। झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन को मिली जमानत, जमीन घोटाले में बीते 31 जनवरी को हुए थे गिरफ्तार। जेल से आने के बाद हेमंत सोरेन ने दिया बयान, कहा जब मैं जेल में था तो झारखंड के लोगों के लिए 5 महीने बहुत कठिन थे। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था बाबा के दरबार में हाजिर लगाने पहुंचा, कुलगाम में उपायुक्त ने किया स्वागत। NTA ने UGC नेट के लिए नई तारीख की घोषणा की, 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होगा पेपर। उत्तरी इटली में मारे गए भारतीय कामगार सतनाम सिंह पर विदेश मंत्रालय का आया बयान, विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसे काम पर लगाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है जो उसे चिकित्सा देखभाल प्रदान करने वाला था और जांच जारी है। हम इस तरह के व्यवहार की निंदा करते हैं, हम श्रमिकों के साथ मानवीय व्यवहार का आह्वान करते हैं, हम उनके परिवार को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने 28 जून को महाराष्ट्र का बजट पेश किया, इसमें कई अहम घोषणाएं की गई। बजट में महिलाओं पर केंद्रित योजनाओं पर खास ध्यान रखा गया। इस क्रम में मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना भी पेश की गई, जिसके तहत सरकार हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए देगी। या एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी। इस तरह RKDF विश्वविद्यालय राज्य और देश के आधुनिक और उच्च विश्वविद्यालयों में से एक है। RKDF University, a world-class university. Education glorifies nation. महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने बजट में किसानों का भी रखा ध्यान, किसानों को मिली बड़ी राहत। सरकार ने उनका बकाया बिजली बिलों को माफ करने का ऐलान किया है, इसमें करीब 44 लाख किसानों को राहत मिलेगी। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने शुक्रवार को दिल्ली में घंटों की बारिश के बाद की स्थिति का जायजा लिया।
भारी बारिश के कारण राजधानी में जगह जगह जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके बाद एलजी सक्सेना ने अधिकारियों को एक आपातकालीन नियंत्रण कक्ष स्थापित करने और जलभराव की स्थिति पर नजर रखने का निर्देश दिया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि मैंने मोदी 3.0 कैबिनेट में उनकी जिम्मेदारियों के लिए बधाई दी, साथ ही किए जा रहे विभिन्न विकासात्मक पहलों पर भी चर्चा की। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को अमेरिका के अस्पताल से मिली छुट्टी, घुटने की सफल सर्जरी हुई। ट्रंप बाइडेन की बहस के बाद ओबामा ने दी प्रतिक्रिया, बोले यह चुनाव सच और झूठ बोलने वाले व्यक्ति के बीच। राष्ट्रपति पुतिन का आया आदेश, मध्यम दूरी की मिसाइल का उत्पादन शुरू करेगा रूस, अमेरिका ने लगाया है प्रतिबंध। पंजाब प्रांत के विधानसभा अध्यक्ष मलिक अहमद खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के 11 विधायकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरोप है कि उन्होंने पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। दिल्ली के नरेला में रेप के बाद 10 साल की बच्ची की हत्या, पार्क में मिला मासूम का शव। मौसम विभाग के अनुसार यूपी में 7 जुलाई तक ऐसे ही मौसम रहने की संभावना है, यानी बारिश होती रहेगी। आईएमडी ने शुक्रवार को सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या और अम्बेडकर नगर सहित कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। यूपी में भी 29 जून तक मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 29 जून तक मॉनसून दस्तक देगा। शुक्रवार सुबह दिल्ली का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 29 और 30 जून को दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। गुजरात के कच्छ में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई तीव्रता। दिल्ली बर्गर किंग शूटआउट केस में एक आरोपी अरेस्ट, 3 की तलाश में जुटी है पुलिस। ग्रेटर नोएडा में हादसा, मकान की दीवार गिरने से 3 लोगों की हुई मौत। दिल्ली के लक्ष्मी नगर के एसएचओ गिरफ्तार, बिना अनुमति होटल में छापा मारने पर कार्रवाई। तो ये थे आज सुबह के कुछ मुख्य समाचार। खबरों में अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के रिदम ऐप को डाउनलोड करें।